हूं आप, हम सबका अनुभव है। मैं तो वही हूं जो बचपन में था, परंतु शरीर और संसार प्रतिक्षण बदल रहे हैं। इसी प्रकार शास्त्र बताते हैं कि परमात्मा है, मैं और परमात्मा न बदलने वाले हुए और शरीर संसार बदलने वाले हुए, ये सबका अनुभव है। जैसे मैं बालक था, पढ़ता था, आज मेरी बड़ी उम्र हो गई तो मैं वही हूँ। उम्र सही बदल गया, परिस्थिति बदल गई, योग्यता बदल गई, सब बदल गए, मैं वही हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। ये सबका अनुभव है। मैं की परमात्मा से एकता है और शरीर की संसार के साथ एकता है। मैं की एकता परमात्मा से और शरीर की एकता है संसार से। इस शरीर में जो गाढ़ापन दिखता है वह पृथ्वी का अंश है। उसमें जो गर्मी है वह सूर्य का अग्नि का अंश है। इसी जो प्राण है ये वायु का अंश है, और जो इसमें पोल पोल पुलाहट है ये आकाश का अंश है। मैं हूं ये हमारा आत्मज्ञान है, और परमात्मा है ये परमात्मा का ज्ञान है। मैं परमात्मा की एकता है, और शरीर और हमारे कहलाने वाली सामग्री की संसार के साथ एकता है। हम इन अपनी कही जाने वाली वस्तुओं के द्वारा संसार की सेवा कर देना है, और अपने आप को भगवान को देना वृत्ति की बात है। ये शरीर क्या है? संसार का। इसके किस लिए हमको भगवान ने दिया है? सेवा करने का, भोग भोगने के लिए नहीं। और अपने को, मैं को, परमात्मा को देना है। कैसे? अब प्रश्न उठता है, जब इतनी सुगम बात है तो फिर ये ठहरती क्यों नहीं? इसका उत्तर यह है, आप इस बात को महत्व नहीं देते, आदर नहीं देते, ये अभ्यास जन्य नहीं है, इसमें अभ्यास की जरूरत नहीं है। इसे या तो मान लो या जान लो। जैसे नेपाल है तो आपको इस पर अभ्यास नहीं करना पड़ता, केवल मान लिया ये नेपाल है, आप मानने में स्वतंत्र हैं। मानना चाहो तो अभी मान सकते हो, न मानना चाहो तो जन्म जन्मांतर तो नहीं मान पाओगे। आप ऐसे मान लो कि परमात्मा तो काम बन जाए। देखा कितनी सरल बात है, भगवान है या मान लो तो हम जीवन मुक्त हो जाए, जन्म मन से पीड़ित हो जाए। आप जान ले कि मेरा नाशवान शरीर के साथ संबंध नहीं है तो भी काम बन जाए। एक मान लो, चाहे तो मेरा परमात्मा से संबंध है और मेरा शरीर नाशवान शरीर से संबंध नहीं है, ये मान लो, एक मान लो काम बन जाए। बाबू जी, इसमें एक बात तो मानने में आ जाती है कि मेरा भगवान के साथ संबंध है, पर संसार के साथ संबंध है ये बात मानने में नहीं आती है। नहीं, क्यों नहीं आती? आप उसे सुख ढूंढना चाहते हो, ये नहीं आती है। क्या बोल रहे हैं? देखो मैं आपसे पूछूं, शराब है, बीड़ी सिगरेट है, आपकी याद आती है क्या? नहीं, नहीं आती है। क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती? दुनिया मरती है उनके लिए, आपको क्यों नहीं आती? आप उससे सुख लेना नहीं चाहते, याद नहीं आती जी। और जो भाई बहन उनसे सुख लेना चाहते वो लाइन लगाते है नहीं जी, और झगड़ा होता है जी, कि शराब से उनको सुख दिखता है नहीं जी बाबू जी। और हमको संसार में सुख लेना है, इसे संसार याद आता है, समझ नहीं सकता बात जी बाबू जी। नहीं तो खाली भगवान है ये मान ले तो इससे काम चल जाएगा क्या? भगवान मान ले, सच्चा मानना। जैसे पुलिस वाला खड़ा है, हमको स्पष्ट दिखता ना, तो उसके सामने गलत काम नहीं कर सकते जी। इसका भगवान है तो उसके सामने झूठ बोल सकते हैं क्या? और बोलते हैं भगवान को मानते झूठ बोल रहे हो, तो मान गा रहे हो जी। अच्छा क्या?
हाँ बाबू जी, ये मानना होता है। अच्छा आपको मानने में कोई संदेह न रहे जी, तो भगवान प्रत्यक्ष दिख है, हाँ, उसके सामने गलत काम कैसे कर सकते हैं, जी ये है मानना। अच्छा आज ये मेरे पास, जी, हाँ ये सच्ची और शास्त्रों की बात है, इसमें अभ्यास की जरूरत नहीं है। यदि हम इस बात को आदत स्वीकार कर ले तो आपको करोड़ों रुपए प्राप्त करने से भी उतनी शांति नहीं मिलेगी जितनी इस बात को मानने से मिलेगी। जी एक बात और है, आप उस बात को महत्व नहीं देते तो बात उन्होंने मिल जाती है। जी सबदेव स्वामी जी कह रहे हैं विशेष बात, हाँ ये लेख है प्रभु से मेरा हमारा नित्य संबंध, उस लेख इस लेख में नहीं है, उसमें क्या कह रहे हैं, एक विशेष बात आपको बताओ जी, ना, मेरे भी एक बात जची भी थी, हाँ एक बात आपके जची भी है। हाँ क्या जची भी थी मेरे, कि बड़ी योग्यता हो, बड़ी तपस्या हो, बड़े साधना हो, जब भगवान की प्राप्ति होती है जी, ये मेरे जची थी। स्वामी जी कह रहे हैं अच्छा बात मेरी पोल निकल गई, अच्छा ये बड़ी बहम झूठी गलत धारणा थी। अच्छा भगवान की प्राप्ति तत्काल हो सकती है अगर चाहे। अच्छा हाँ अब तो स्वामी शेर जी बात सुनाऊंगा अभी लेख के बाद में, जी भाई, क्या कहते सुनना, अभी तो थोड़ा सा ये लेख है। एक बात और है, तो आप इस बात को महत्व नहीं देते जो बात मुझे मिल जाती है, एक बात पर सोचो तो या टैक्स लग गए तो आप बात वादा दे दोगे। खूब भटकने के बाद बद्रीनारायण जैसे पहाड़ों में घूमने के बाद यदि यही बात आपको प्राप्त होती तो इसको आदर देते, महत्व देते, मान लेते, घर बैठे बिना पैसे के कीमत के बात मिल गई या महत्व देते। जिस किसी भाई ने इस बात को महत्व दिया, इसका मूल्य चुकाया, उसे लाभ हुआ। जिस किसी भाई ने इस बात के लिए अपमान सहा, निंदा सही, कष्ट सहा, विपरीत परिस्थिति सही, उसे लाभ अवश्य हुआ। हमने इसका मूल्य चुकाया है। अगर जोरदार लगन और तड़फन हो जाए तो तत्व ज्ञान तत्काल हो जाए। सुन लिया जी हो जी, अगर जो देखो वाक्य ये वाक्य है, जोरदार लगन हो जाए, तड़फन हो जाए तो तत्व ज्ञान तत्काल हुआ जी। ज्ञान क्या है, ये भगवान ही है, वो कुछ भी होता ये तत्व ज्ञान। अच्छा हाँ तो स्वामी जी कह रहे हैं यदि तड़पण हो जाए, जोरदार लगन हो जाए तो तत्व ज्ञान तत्काल हो जाए। अच्छा स्वर्णानंद जी महाराज की कही हुई बात बता रहा हूँ। किसकी कही की, स्वर्णानंद जी महाराज, स्वर्णानंद जी महाराज, स्वर्णानंद जी, जी जी आपने तो शायद नहीं देखे होंगे, हाँ, वृंदावन मानव सेवा संघ वाले, हाँ मैंने देखे उनके सत्संग भी किया, जी बाबू जी, मैंने उनका सत्संग किया बड़गुस के नीचे, जी बाबू जी, वो कहते थे हाँ मुझे प्यास तो लगी भी थी, हाँ अपर कमंडल में पानी मेरे पास था जी, तो जब तक मैं तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं कर लूं कि पानी नहीं पीऊंगा। अच्छा तत्व ज्ञान प्राप्त करके पानी पिया। अच्छा हाँ अच्छा ये उनकी बात बता रहा हूँ, स्वर्णानंद जी 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 बाबू जी, प्रज्ञा चक्षु, हाँ हाँ मैंने उनके दर्शन किए, सत्संग किया, अच्छा जी बुरा के बटपिस के नीचे अच्छा होता था, हाँ हाँ पालकी में आते थे, प्रज्ञा चक्षु थे। अच्छा जोरदार लगन हो, तड़पण हो जाए तो तत्व ज्ञान तत्काल हो जाए जी, ये लगन कहते हैं, लगन आवरी लगन क्यों है, लगन क्यों कहते हैं जी। हाँ आप इस बात को महत्व दे, अब तो बात हमें मिल गई, बस निकल नहीं सकती जी। उदयपुर राणा के बारे में सुना है,
वे सत्संग की बात सुनते, उसमें जो बात अच्छी लगती है सुनते ही तुरंत चल देते, बात कहीं निकल ना जाए। सीता बहु के महाराजा थे राम सिंह जी जी, आपने तो शायद दर्शन नहीं किए होंगे। नहीं नहीं वो सीता बहु के किए क्या? नहीं 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 किए ना, हमने मैंने किए जी। वो गीता बनाते थे, अच्छा फिर जी पास आते थे, उनको देवी ने कहा था भक्ति चाहते हो तो गीता पे संबंध स्थापित करो। अच्छा, और उनको स्वप्न में देवी ने कहा था, वे देवी अच्छा। के पास थे। हाँ हाँ समझे जी हो जी। तो उन्होंने गोड़ वाले नाम का सेक्रेटरी था उनका। अच्छा, तो गीता पे भेजा। यहाँ कोई संत महात्मा है क्या? भाई जी थे, पर यहाँ कोई संत महात्मा नहीं है। अच्छा, उल्टा गया। अरे बोला ऐसे नहीं पता लगता संत महात्मा का। अच्छा, फिर दोबारा भेजा। अच्छा, जब शेर जी पता लगा और जब शेर जी पास दौड़ फिर पहुंच गए वे। अच्छा, और फिर शेर जी गीता बनाते रहे। तो उनको बोला भाई जी के मरने के बाद भाई जी बोले आओ। उन्होंने नहीं, मैं तो शेर जी का। अच्छा आपको सुना दूं उनकी बात? जी बहुत जी, 10-5 मिनट? हाँ सुनाओ ना। नहीं, 10-15 मिनट रहेगी सत्संग में। हाँ शेर जी देरी हो जाती थी। हाँ शेर जी वो बड़ी पगड़ा बनते थे, लंबे थे, बहुत लंबे, और टाइम के बड़े पंक्चुअल थे, एक एक मिनट के पंक्चुअल थे। अच्छा, हाँ तो शेर जी हूस हूस मत तो मत कहते छत्ती थे ना। हाँ आपके कारण आता हूँ। अच्छा, और आपने सारा समय तो सत्संग का 10-15 मिनट रह गई। हाँ तो शेर जी मरा था, 10-15 मिनट कैसे निकाल देते? अच्छा, सत्संग में कैसे आते हो? जन्म बल छुटने के लिए जी, तो थे महाराज पर कृपा करके भावी जन्म का संकल्प छोड़ दो बस। सुन लिया जी बाबू जी। ये शेर जी अच्छा, हमारा पूरा जन्म नहीं होगा हाँ बस, छह संकल्प मत रखना। अच्छा, अब निकाल दीजिए कसर। हाँ निकाल दीजिए सर। एक दिन गोविंद हम की बात है करते कई 10:30-11 बज गए। सत्य स्वामी जी बाहर सत्संग सुना रहे थे जी। शेठ जी कमरे में बैठे, हर बार संदेश भेजे शेठ जी आओ, शेठ जी आओ, शेठ जी आओ, आपका समय हो गया। तो फंडामेंट रहेगी जब आए। अच्छा, शेर जी बोले भाई समय तो बहुत हो गया, नहीं कैसे निकाला? सुनो तो क्या कहा उन्होंने जी। गोविंद मोहन पंच भूमि है, अच्छा, कृत्य में महापुरुष है। हाँ ये निगाह तो उन्होंने महापुरुष है। अच्छा, हाँ ये पढ़ता रखे हुए कह दिया बस, अगर पूरे दिन नहीं होगा। अच्छा, ये अब आपको सुनाएंगे शेर जी बातें, बहुत बढ़िया बढ़िया बात है। कौन कह रहा है? स्वामी जी वो सुनाने का विचार है अभी जी बाबू जी। तो आप न बदलने वाले के साथ मिल जाते हो, न बदलने वाले साथ न मिलो तो आज बहुत प्राप्ति हो जाए जी। क्या न बदलने वाला कौन है? मैं भगवान हूँ। तो सही के साथ मैं सही हूँ, इस कारण आप अनुकूलता प्रतिकूलता का अनुभव करते हो। दोनों परिस्थिति का अनुभव वही कर सकता है जो दोनों समय रहता है जी। आप परिस्थिति के प्रभाव को स्वीकार करते हो, कभी सुखी दुखी रहते हो। परिस्थिति के प्रभाव को स्वीकार न करो तो न सुख होगा न दुख होगा जी। समता में स्वतः स्थिति हो जाए। जी, आपने सुना होगा नारद जी ने ब्यास जी को पूर्व जन्म की बात कही। नारद जी माँ के साथ संतों के पास जाते थे। क्या थे? 5 घर। माँ क्या थी? नारद जी की दासी, सेवक। हाँ, सेवा करने वाली जी।
आनंद जी माँ के साथ संतों के पास जाते थे, वो संतों के पास जाके बैठ जाते, कौन महाराज जी, उनकी माँ मर गई, बालक को मार लेने पर कितना दुख होता है जी, नारद जी को दुख नहीं हुआ, खुश हुए, सुखी दुखी होना तो थारे हाथ की बात है जी। हाँ सुन लिया जी बाबू जी, ये सुखी दुखी होना हमारे हाथ की बात है जी बाबू जी, हम जिस चीज में मान रहे हो, ये तो बड़ा बुरा हुआ, दुखी हो गए, ये अच्छा हुआ सुखी हो गए, कोई चीज शोक करने योग्य नहीं है, न तो कुछ तो मगर सी अंत में भगवान कहते माँ सुच है, शोक मत कर, न करना करना हमारे हाथ की बात है जी, शोक चिंता करना सुखी दुखी होना ये प्राप्त का फल नहीं है, ये पुरुषता का फल है। अच्छा हाँ अनुकूलता प्रतिकूलता आना जाना प्राप्त का फल है जी, सुखी दुखी होना ना भगवान आपकी मर्जी है, ये सुख दुख तो आएंगे, आपकी मर्जी, बड़े आश्चर्य की बात है, हम दरवाजे पर खड़े हो जाए, हम मोटर खूब आ जाए, हम राजी हो जाए, आज तो बहुत मोटरें आई और दूसरे दिन मोटर नहीं आई तो दुखी हो जाए, रोने लग जाए, आज तो कोई मोटर नहीं आई तो हर्ज क्या हुआ जी, मोटर नहीं आई तो धूल नहीं मुड़ी, ऐसी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती जाती रहती है, कभी अनुकूलता आती है कभी प्रतिकूलता आती है, धन संपत्ति परिवार आदि सभी आने जाने वाले, आप रहने वाले हो, आप राजी निराश क्यों होते हो जी, ये है बोलो क्या शुभ उपाय है जी बाबू जी, ये तो कोई उल्टा आएगी जाएगी, हाँ ये महीने के चलते थे पुरुषम पुरुषम सब समुकम सुगम हिरम सोमृत्य कर पड़े जी, ये भगवान बता रहे सीधा उपाय, हाँ ये सुख दुख तो आने वाले हैं जी, और तू सुनी गिरी हो तो अमरता को प्राप्त हो जाए जी दूसरे जाएगा पद महसूस जी, भगवान कहेंगे मेरा प्यारा है, यदि हम सुख दुख में सुखी दुखी होते रहेंगे तो हम तो दुख पाएंगे, लोग भी निंदा करेंगे और भगवान भी राजी नहीं होंगे जी, तो बताओ क्या फायदा हुआ, भगवान धनवान हो जाना स्वस्थ हो जाना मान प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेना ये अपने हाथ की बात नहीं है, ये अपने हाथ की बात है जी, इनमें सुख दुख क्यों हो क्यों इस बात को आदर दो महत्व दो कीमत दो, अब सुखी दुखी नहीं होंगे जी, आपको सीखना नहीं है जी इसका अभ्यास ही करना है जी, ये तो मारना है, बार बार याद करने की जरूरत नहीं है जी, आपको क्या मनमान लिया, अब याद करते हैं क्या हम बड़ी नहीं, आप वैसी हो तो बार बार करना पड़ता है क्या, नहीं नहीं करना पड़ता ऐसे है जी, ऐसे है ये अच्छा भगवान के है ताकत है आपको बदलते नहीं, आप ऐसी आप अग्रवाल बन के या ब्राह्मण बन करके कहीं भोजन कर सकते हो क्या, नहीं नहीं कर सकते कि आपकी मान्यता दृढ़ है जी, बढ़िया हूँ वैश्य हूँ भोजन करना मेरा काम नहीं है जी, इसी तरह मैं भगवान का हूँ जी भगवान मेरे हैं और जी तो रोक सकता है जी ये है मान्यता जी बाबू जी, तो आपको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मान लिया, अब काम धंधा करते हुए भोजन करते हुए ये याद नहीं करना पड़ता, सदा याद जी जी नहीं, आप ब्राह्मण स्वीकार न करो अशुद्ध मान लो, अब कोई भाई बहन समझो आज हिंदू है और मुसलमान बन जाए तो कितनी देर लगती है उसको बनने मान्यता में जी, और कोई मुसलमान हिंदू बन जाए कितनी देर लगती है जी, कितनी देर लगती है तो मान्यता ही है
याद करना पड़ता है क्या? नहीं करना पड़ता। ये स्वामी कहते हैं यही मान्यता, ये है मान्यता जी। इसी प्रकार मैं परमात्मा का हूँ ये मान लो, फिर भले ही काम आदि करते समय भूल जाओ, क्योंकि भूल नहीं मानी जाएगी। भूल कब मानी जाएगी? उसमें मानी जाएगी कि मैं परमात्मा का नहीं, ये मान लो यार। अच्छा हाँ, सुन लिया जी बाबूजी। यदि आप ऐसा नहीं मानते तो अखंड मान्यता भीतर रहेगी। अच्छा, अपने नाम, अपनी जाति, अपना स्थान, देश के साथ हमारी अखंड मान्यता हो जाती है जी। नाम, जाति, स्थान, देश से आदि तो अपने है नहीं, केवल माने हुए हैं जी। शेर जी के आगे थे, शेर जी को पूछता आपका नाम क्या है? हाँ, शेर जी कहते लोग मुझे दयाल गोयनका कहते। हाँ जी जी, कहते मेरा नाम ही है जी, लोग मुझे दयाल गोयनका कहते। हाँ, ये है नाम से सम छोड़ दिया जी। हम कहते मेरा नाम ही है। परमात्मा अपने स्वयं भगवान सत्यन संत ऐसा कहते हैं। आज अभी भी ये बात मान लो कि मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा मेरे हैं। बताओ क्या देर लगी? ये है स्वामी जी का लेख जी। दिया। अब सुनो, सत्य की खोज पुस्तक है ना ये? है? पुस्तक का क्या नाम था? जीवन का सत्य। जीवन का सत्य, ठीक है, सीतापेश गोरखपुर की पुस्तक है जी बाबू जी। अब शेर जी कहा सुन लो आप जी, आए जब मरने जा रहे थे गीता भवन लखनऊ में स्टेशन पे कहा, हाँ वो बात सुन लो आप। हाँ, 12 महीने में आपको भूतप्राप्ति हो सकती है। अच्छा, एक तो सुन लो, पहला नियम, नित्य नियम पूर्वक अपने बड़ों को प्रणाम करना जी, सेवा करना, उनके आज्ञा पालन करना, पहली बात जी। नित्य नियम पूर्वक अपने बड़ों को प्रणाम करना, उनकी सेवा करना, उनके आज्ञा पालन करना जी। दूसरी बात, भगवान का निष्काम भाव से श्रद्धा सहित निरंतर आप जप करना, उनके जी ध्यान करना, हाँ बात। तीसरी बात, भगवान को एक क्षण के लिए भी न भूलना। चौथी बात, खूब मन से ये सब करना और कभी रह जाए तो भगवान से प्रार्थना करना जी। सुन लिया? चौथी बात जी बाबू जी। और पांचवी बात, सबको भगवान का सुख समझना जी, सब चीजों को भगवान की समझना जी, काम भगवान के समझना और भगवान के लिए काम करना जी, तो श्रद्धा विश्वास पूर्वक निष्काम प्रेम के साथ ये सब करने पर 12 महीने में भगवान की प्राप्ति हो सकती है जी। अब सुन लो स्वामी जी की बात, स्वामी जी कह रहे हैं शेर की बात। हाँ, कब कह रहे हैं? सन 1940 के आसपास, जब गीता बड़ा नहीं था, जंगल था। अच्छा, उनका स्वामी जी शेर जी वहां जाते थे स्वर्ग आश्रम जी के। हाँ, स्वामी जी का संबंध हुआ 1934 से अंदाज शेर जी से। 1934? अच्छा, शेर जी स्वामी जी जन्म था 1903-4 का अंदाज। आवाज कम आ रही आज बाबू जी, थोड़ी आवाज कम आ रही आज। तो क्या करूंगा, जोर से बोलूं? नहीं नहीं जोर से, माइक सिस्टम बोलो उसको, बोलो आदित्य जी को, बोलो माइक ठीक करेंगे। आदित्य, आदित्य, अरे आवाज नहीं जा रही ठीक से। स्वामी जी का जन्म 1903-4 का। हाँ,
सुनता है क्या? हाँ अब ठीक है। सुनो, हाँ स्वामी जी का जन्म था संबत 1860 और संबत 1860 हाँ 1960 1860 और सन था 1903-4। तो अभी 2077 चल रहा है ना? हाँ हाँ तो महाराज जी का 1960 हुआ ना? 1960 जी। सामर्थ भगवान ने, अब स्वामी जी कह रहे स्वामी जी 30-31 वर्ष की उम्र में आ गए थे जी सेठ जी के पास और एक तो डेढ़ वर्ष तक रहे। हाँ ठीक है। हाँ मतलब संबत 62 में सेठ गया स्वामी जी का। जी जी हाँ संबत 62 में सेठ गया स्वामी जी का। हाँ अभी 2062 में गया। ठीक है। हाँ और 3 जुलाई 2005 को गया अंग्रेजी का। हाँ अंग्रेजी थी। समझ गया जी बाबूजी। तो स्वामी जी आ गए थे सेठ जी पास संपत्ति हाँ। में 90 करने के आसपास जी। हाँ और वहां पे ये बात हो रही है आपको बता रहा हूँ 1940 के आसपास सन। जी बाबूजी। समझिए। हाँ बाबूजी। गीता ये बना था 47 में पहला पहला गीता अच्छा एक। अच्छा हाँ इसका चेचा लगा था सन 45 में। अच्छा पहले नीचे नीचे बना था फिर एक पल्ला बना था 47 में ये तैयार हुआ था। अच्छा तो उस समय सड़क तो नहीं थी, सामान कहाँ से आता था फिर? जैसे गीता लक्षण झूला से आता था सर और पीछे अच्छा। पीछे जाता था वो पीछे वाली रोड थी क्या उस समय? हाँ थी ना। अच्छा अच्छा ये तो स्वामी जी वहीं से जाते आते थे तो पहले अच्छा अच्छा आम आदमी नहीं जाता आता था। जी जी अब सुन लो आप स्वामी जी कह रहे हैं जी भगवान ने हमको कम सामर्थ्य नहीं दी है जी थोड़े समय में हम बड़े श्रेष्ठ पुरुष बन सकते हैं जी। गोयनका जी ने जब कानपुर कोठी में रहते थे ये वो कुछ नहीं बना था जी 5 रुपए महीने में कोठी थी। अच्छा 5 रुपए महीने में थी उनकी महाराज साहब की राम सिंह जी मान से वो भगवान महाराज के लिए। हाँ वो थी 5 रुपए में खेर जी कोठी थी। अच्छा उस समय बालू में बैठे थे शेर जी स्वामी जी। मुझे याद है शेर जी ने कहा था सुन लो आप हम आप जितने बैठे हैं 150 आदमी जितने बैठे हैं 20-30 आदमी जितने बैठे हैं थोड़े से थोड़े समय में पापी से पापी मूर्ख से मूर्ख वह तुम हम सबसे अधिक हो सकता है। अच्छा सुन लिया जी। ये स्वामी जी को शेर जी बोले थे। ठीक है। ये स्वामी जी कह रहे हैं बात जी के थोड़े से थोड़े समय में मूर्ख से मूर्ख बेपढ़ा लिखा पापी से पापी हमारे हमसे आपसे अधिक हो सकता है जी। लोग कहते हैं हमारे पाप है हमारे दोष हैं हम पढ़े लिखे नहीं हैं समझदार भी नहीं है हम योग्य भी नहीं है प्राप्ति में योग्यता नहीं चलती जी। योग्यता पढ़ाई सामर्थ ये संसार में चलती है जी। संसार में जितनी अधिक होगी उतना संसार में आदो होगा होगा भगवान की प्राप्ति मुफ्त में मिलती है जी। उसमें केवल चाहना चाहिए सुन लिया। हाँ केवल चाहना चाहिए चाहना चाहिए चाहना हाँ इच्छा कह दो चाहना कह जी जी। भीतर की चाहना कि मैं उसको प्राप्त करना चाहता हूँ इस मेरी बात को स्वामी शेर जी पढ़े लिखे मानते नहीं। अच्छा ये शेर जी कहा हर एक आदमी नहीं मानता जी की बात है नहीं माने तो न मानो कम से कम मेरी परीक्षा तो करके देख लो
अच्छा शेर जी कह रहे हैं, हाँ इसके पीछे पढ़ो क्या कहता है, ये पागल है या क्या है, ऐसे पीछे पड़ जाओ क्या बाधा लगेगी, आपकी हानि क्या होगी, ये तो मैं कहता ही हूँ, मुझे कुछ दे दो मैं मांगू जब तो आपको बाधा लगे, ऐसा कर दो ठगाई आपकी क्या होगी। शंकर की साथी याद आ गई, भाई बुरा मत मानना, ये संत दास हुए संत जी, तो 250 तो जिए हुए। अच्छा हाँ, उन्होंने कहा था क्या, संत दास संसार में कई कुकू कई डोड़, डूबन हो सांसो नहीं नहीं तिरन को कोड जी। इसका सुन लो, संत दास संत कहते हैं हाँ, संसार में कोई तो उल्लू है जिसको दिन में दिखता नहीं जी, और कोई डोड़ है एक हाँ कौवा होता है बड़ा कौवा उसको हाँ डोड़ बोलते हैं, उसको रात को नहीं दिखता। अच्छा तो कहते हैं लोगों को न तो डूबने का डर में मन में भय है, हाँ तिरने की इच्छा है, जी इसलिए मेरी बात सुनते हैं। हमारी कमी नहीं है, संतों की कई बात है। संत दास जी महाराज बड़े संत हुए हैं, 200-250 वर्ष जिए थे, जी उनकी कई बात है। गुगु उल्लू होता है, रात में बोलता है रात में देखता है, और कौवे में बड़ा काग होता है उसको डोड़ कहा करते हैं, वह कई गुगु कई डोड़, डोड़ काग को तो रात में नहीं दिखता, उल्लू को दिन में नहीं दिखता, तो कई गुगु है कई डोड़ है, जी सारे लोग थे हैं जी इसे मेरी प्रताप्ती बात सुनते नहीं। स्वामी शेर जी कह रहे जी डूब लो सासो नहीं कि हम डूब जाएंगे, हमारा पतन हो जाएगा, हमारी क्या दशा होगी, इसकी तो चिंता नहीं है उनको, जी और हमारा उद्धार हो जाए, हमें भवताप्ति हो जाए, हम जन्म मरण से छुट जाए, जी इसकी हमको इच्छा नहीं। जी मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैं आपको नहीं कहता हूँ, मैं आपको अधिकारी मानता हूँ। स्वामी जी कह रहे हैं जी बाबूजी, आपको अधिकारी मानता हूँ, सबको आपको योग्य मानता हूँ, आपको पात्र मानता हूँ, आप उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं ऐसा मानता हूँ, केवल आप घर विचार नहीं करते, आपके मन में जानने की इच्छा नहीं है, पाने की इच्छा नहीं। शेर जी की प्राइवेट बातें थी, वे बीमार थे, रतनगढ़ में थे, उस समय कल्याण शुरू नहीं हुआ था जी, कल्याण चालू हुआ 1923 में। हाँ, उसके पहले की बात है, वह बोलते थे भाई जी लिख लिया करते, हाँ राम प्रसाद जी पोदार की लिखी कॉपी मेरी नकल मेरे मिल गई थी, शेर जी मिलने से पहले मिल गई थी वो पुस्तक। अच्छा, उसमें लिखा था बहुत से संत हुए उनकी कृपा से लोगों का उद्धार हुआ, किसी ने कितनों का उद्धार किया, किसी ने कितनों का उद्धार किया, परंतु ये शेर जी क्या बोले सुनो, भाई स्वामी जी कह रहे जी, उसी खाली पड़ी है, उस पर कोई नहीं पहुंचा है अभी तक जी, और खाली है। बोले कौन सी खाली है, भाई जी पूछा शेर जी से, मात्र जीव का कल्याण कर दे वो जीव जन्म मर में ना आवे, ये खुली खाली है। अच्छा हाँ, तो शेर जी ने पूछा संभव है क्या, शेर जी कहा उसका एक कल्याण, सबका कल्याण संभव है, 10 का भी संभव है, 100 का भी संभव है, गुंजाइश है ना, एक का कल्याण हो तो सबका कल्याण हो सकता है। अच्छा, नहीं तो एक का कैसे होगा, संपूर्ण जीवों का कल्याण कर दे ऐसी खुशी बाकी है। और एक बात कही थी, जीव का कैसे कल्याण हो, किस वर्ण में किस आश्रम में किस संप्रदाय में किसी परिस्थिति में हो, वहीं रहते हुए कल्याण कर सकता है,
ये शेर जी कही थी जी, मतलब उसको कुछ वर्ण की आश्रम की परिस्थिति बदलने की जरूरत नहीं है जी, जिस परिस्थिति में वहीं पर भोगतापति कह सकता जी। शेर जी कहते जैसे साइंटिस्ट लोग कहते हैं, वैज्ञानिक लोग कहते हैं इतना तो आविष्कार हो गया, इतना बाकी है। हाँ, तो शेर जी कहते मुझे इतना तो आविष्कार हो गया, किस परिस्थिति में कोई आदमी अपना कल्याण कर सकता है। मैं इस लगन में हूँ कि तत्सर स्पर्श भाषण से चिंतन से कल्याण हो जाए। अच्छा, हाँ हनुमंत में शेर जी हो गए थे, क्या हो गए थे? अरे उस दर्शन स्पर्श भाषण से कल्याण हो जाए उनके। अच्छा, सेठ जी के? हाँ अच्छा, आपको सुना दूं गोरखपुर की घटना? आप सुना देखो। मंगलनाथ जी थे, मंगलनाथ जी हाँ गीता पे से काम करते थे। हाँ, शेर जी के पास आए, शेर जी गीता पे गए हुए थे। हाँ शेर जी बोले, शेर जी हाँ जब तो बहुत करता हूँ, एक भगवत प्राप्ति बड़ी कठिन, अच्छा कल्याण बड़ा कठिन। शेर जी क्या बोले सुनना, कल्याण तो थारी मारी बात से हो जाए, चिंताम जब क्या करो। अच्छा हाँ वो समझा नहीं समझा वो जा रहे। हाँ ये बात सुन लिया? सुन लिया। हाँ तो सेठ जी ने ऐसा ही बोला था कि उस कुर्सी तक मैं पहुंचने का प्रयत्न कर रहा हूँ। सुनो सुनो, वो भी बात आएगी अभी। हाँ हाँ वो भी बात आएगी, अब जी सुनो। आप सेठ जी ऐसी बात कही थी, हम ऐसा चाहते हैं हमारे घर एक दिन भोजन कर ले, उसका कल्याण हो जाए, अच्छा ऐसा अन्न भारा बन जाए, एक दिन रोटी खा ले उसका बेड़ा पार हो जाए। अच्छा, मैं बना नहीं सका, क्यों नहीं बना सका, उसमें सबके सहयोग की आवश्यकता है, अच्छा इसे नहीं बना सका। परंतु दर्शन भाषण चिंतन से सबका कल्याण हो ऐसा हो सकता है, क्यों शेर जी का काबू में आ गया था। अच्छा हाँ कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, वो उपाय बता रहे हैं शेर जी के, उपाय बता रहे हैं। हाँ बताए भाजी, कि आपके दर्शन पर भाषण से दुनिया कल्याण, आप कैसे हो सकते हो ऐसे। हाँ कि जो आप जप करो, जो आप ध्यान करो, जो आप कीर्तन करो, जो सत्संग करो, जो स्वाध्याय करो, जो पठन करो, जो पूजन करो, जो तीर्थ करो, जो तप करो, उसका पुण्य है नाथ, सबका कल्याण हो। अच्छा हाँ, और उसका भी पुण्य हो तो सबका कल्याण हो, और उसका अच्छा। भी पुण्य हो तो सबका कल्याण हो, इस भाव से हो जा सकता है। अच्छा सुन लिया? हाँ जी, आपके दर्शन भाषण से कल्याण कैसे हो सकता, कि जो आप साधना करते हो भगवान के लिए, हाँ उसका पुण्य सबका कल्याण। अच्छा, वो जो आपने पुण्य अर्पण किया उसका भी पुण्य कर सबका कल्याण। अच्छा, उसका भी सबका कल्याण करते रहो। अब सुनना बात, अब सबके कल्याण की भावना से भी कोई पुण्य होता हो तो उससे भी सबका कल्याण। एक दो एक एकम एक का दो दूनी चार, तीन तिया नौ, चार चौका सोलह, इस प्रकार सौ सौ में 10,000, इस प्रकार बढ़ाता चला जाए। ऐसे पुण्य से भी सबका उद्धार, चाहे मन में हृदय में यही चटपटी हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, तो उसके तत्सर भारतीय शेर जी के मन में थी। हाँ शेर जी कहा करते जी, मेरे मन में एक ही बात है, सबका कल्याण कैसे। अच्छा, तो शेर जी बोले, थाने कैसे पता चला मेरे यदि शनिपात हो जाए तो। शनिपात जानते हो ना? हाँ वो आप मतलब वायु कफ पित्त ये तीनों की अनुपात बदल जाता है। हाँ शनिपात हो जाता है, जो बैगने लगता पागल की तरह। हाँ हाँ उसके ये होश ही होता, मैं क्या बोल रहा हूँ जी। थाने यही सुनने का मिलेगा कि सबका कल्याण कैसे हो। अच्छा, ये शेर जी कहा करते। अच्छा,
अब सुनो जी, शेर जी कहते थे ऐसा कोई भक्त था, हाँ हमें नाम तो शेर जी बता रहे कौन था, हाँ अब सुन लो आप, हरिप्रसाद जी रामपत्र वाले, हाँ उन्होंने शेर जी पूछा, हाँ शेर जी ये कौन था भगत, हाँ पंडित जी बोले शेर जी हमको तो आपकी बात लगती है, अच्छा तो शेर जी मुस्कुरा दिए, मना नहीं किया। अच्छा सुन लिया जी, हाँ जी, अब सुन लो बात, भक्त के एक भगत था, उनके सामने भगवान प्रकट हुए, जी भगवान ने कहा बोल भाई क्या वरदान मांगता है, अच्छा बहुत दूसरी बातें थी पर थोड़ी बात कहते हैं, महाराज आप कहते हो मांग मांग, पहले वचन दो जब मांगूंगा, अच्छा अरे वचन क्या तू मांग ले, बटे महाराज आप हमें वरदान देते हैं तो ये दे दे कि दुनिया मात्र का कल्याण कर दे, जी सबका उद्धार कर दे, जी भगवान बोले सब अपना उद्धार चाहते नहीं, बटे का महाराज चाहते तो वही मांग लेते, मैं क्यों मांगता, जी तो आपसे मैं मांगता हूँ जी, सबका कल्याण करो, सबका कल्याण कैसे करे भाई, सबका पाप कौन भोगेगा, जी बतने का पाप मैं भोगूंगा, आप हम दो रहेंगे, आप जी उठवाना मैं भोगूंगा, अच्छा आप मुझे उठाएं और सबको छुट्टी दे दें, सबका कल्याण कर दे, ऐसा कैसे हो सकता है, तू भजन करता है तेरे सबका पाप कैसे मिटाऊं, जी बोला भगवान माफ कर दो, भगवान ने कहा भैया तू जीता मैं हारा, बट बोला महाराज मैं जीता कैसे मैं तो हारा, मेरा जीत से क्या फायदा हुआ, जी बात तो अपने अपने रखी, जी पूरा राजी करते हो तू जीत गया, मेरी जीत कहाँ हुई, जी सारों का कल्याण होता तो मेरी जीत होती, जी राजी कर दिया तू जीत गया मैं हार गया, इस जीत से क्या फायदा, जी मैं जीत नहीं चाहता, मैं तो यही चाहता हूँ सबका कल्याण हो जाए, जी भगवान ने या सबका कल्याण तो नहीं, अब सुन लो आप, तू जिससे बात करेगा, जिसको बात सुनाएगा, जिससे मिलेगा उसका कल्याण हो जाएगा, अच्छा सुनिया जी बाबू जी, अरे जिसको तू बात सुनाएगा जी से बात करेगा हो गया ना, जी बाबू जी, और जिससे मिलेगा उसका कल्याण हो जाएगा, पर हम लोगों ने तो प्रत्यक्ष देखा नहीं, तो हमारा कैसे होगा फिर, अरे पत्र नहीं देखा बात तो सुनो हो, जी बाबू जी, अरे स्वामी जी आपको कहती मानने से कल्याण पे क्यों संचय करो, हाँ वो तो बात है, फिर जब इतनी स्वामी जी कह दी वो सेठ जी के वो तो थे कार्बन, जी हाँ ये बात है, फिर जी हो ऐसे महापुरुष मिल गए उनको तो देखा है, देखा देखा बहुत देखा है जी, हाँ जी उनके तो पास रहे हो, जी अरे मैं तो 50-55 वर्ष रहा हूँ कैसे मेरा, जी शेर जी के पास तो मैं तो बांगड़ा जाता, हाँ 5 घंटे लगातार बात करने का मेरा मौका मिला है, अच्छा शेर जी अके एकांत में मैं शेर जी, अच्छा हाँ अच्छा ऐसा भगवान हमारा सौभाग्य दिया, ऐसा कृपा जी, हाँ भाई स्वामी जी जा रहे थे कहीं, हाँ मुझे शेर जी बोले, मेरे मन सुनो मेरे मन में आई, हाँ शेर जी अपना आदमी मान ले तुम्हें ध्यान उठाओ, अच्छा मेरे मन में आई है बात, अच्छा आपके, हाँ मैं तो मेरी हाँ, नहीं बता, तो शेर स्वामी जी बोल शेर जी बोले जाओ स्वामी जी जा रहे हैं बाहर, हाँ, जाके कहो शेर जी ने अपना प्रतिनिधि बनाकर मुझे भेजा है, अच्छा होगी ना, हाँ हो गई बात, तो उसकी बात जान ली ना, जी बात जान ली, हाँ और मैं जाके कहना खाली खड़े हाँ, में जाना, अच्छा शेर जी ने आपको भेजा अपना पति जी बनाकर आपको विदा करने के लिए, जी शेर जी आ नहीं सकते शेर जी साथ ढीला है, अच्छा सुन लिया जी बाबू जी, मन की बात जान गए ना, हाँ जान गए।
अरे हमारे मन की क्या बातें कही है, क्या सुनाए आपको। अच्छा, शेर जी जैसे बातें थी, वृक्षण बातें उपस्थित थी। शेर जी को अपना प्रसन्न गुप्त रहना चाहिए, भगवान की प्रसिद्ध भक्ति प्रसिद्ध नहीं होनी चाहिए। बड़ी सावधानी से शेर जी भीतर ही भीतर रखते। शेर जी का बीचा है, इनकी बात मैंने सुनी है। वे भजन करते थे तो किसी को भजन अपना एक पक्का नहीं लगने देते थे जी। इनके पिताजी नाम खूबचंद जी था जी। वो कहते थे खुबरे बावड़ू है। अच्छा, खुबे का पागल लड़का। भजन हरदम करते थे। इनके मित्र थे हनुमान बस जी को, इनका जी दुश्मन इनके मित्र थे। वैसे पद में काका लगते थे, उम्र में दो वर्ष बड़े थे। शेर जी समान अवस्था होने से इनके आपस में बड़ी मित्रता थी। शेर जी हनुमान जी कहते थे और हनुमान जी शेर जी को जैता कहता था। अच्छा, ऐसा आपस में बोलते थे। शेर जी कहते थे हनुमान मैं तो कंधे पर हाथ रखता हूँ, मैं निगाह रखना, बच्चे तो ठहरे, एक दिन अच्छे भरे आदर याद सज्जन तो से टकरा गए। अच्छा, वो बोले तुम देख कर ही चलते हो। शेर जी कहा हनुमान मैं तुम्हें तेरे ध्यान रखना जी। हनुमान जी क्या बोले, तो देख लिया होता तेरे राम जी ने आग दी है तो क्यों बीजता है, उसको भी नहीं कहते मैं ध्यान करता हूँ। अच्छा हाँ, तो क्यों आग बीजता है। हाँ शेर जी अरे भाई मेरे आग बीजने का शौक है, ये नहीं क्या मैं ध्यान करता हूँ। अच्छा, मेरे आग बीजने का शौक है जी। आग बीजने से भगवान का ध्यान होता था, खुली आंखों से होता नहीं था जी। जैसे उन्हें गुप्त भजन किया, भजन के द्वारा उनकी सिद्धि हो गई। इसके बाद मन में आई मेरी कई बातें हैं और ऐसी बातें हैं बड़े बढ़िया सिद्धांत है, और अगर मर गया तो किसी को पता नहीं चलेगा, ये कम से कम एक आदमी को बता दूं, घर वाले माता पिता भाई लोग तो मेरी सुनेंगे नहीं, मुझको बावड़ा समझते हैं। हनुमान सुनेगा, हनुमान मित्र है जी। ये हनुमान जी करता से उनको पत्र लिखा। अच्छा, तेरे से मुझे बात करनी है, तेरे सिवाय सुनो ध्यान से, तेरे सिवाय मेरी पत्नी मेरे भाई मेरे माँ बाप मुझे उतने प्यारे नहीं है जितना तू प्यारा है। जी सुन लिया जी बाबू जी। पत्नी भी मुझे प्यारी नहीं है जी, मेरे भाई भी मुझे इतने प्यारे नहीं है, मेरे माँ बाप भी मुझे प्यारे नहीं जी। इतने प्यारे थे मित्र, जितना तू मुझे प्यारा है। मेरी हृदय की बात सुनेगा, इनके बीच चटपटी लगी आए, एक काम पे बताऊंगा उसको, तू भगवान का भजन कर हनुमान, अपनी मित्रता है तू भजन कर। फिर कई गुप्त बातें बताई। क्या बताई, पहले जन्म में तू राजा था जी, मेरा मंत्री था जी, मैं बैराग के कारण साधु हो गया उस जमाने में, मेरी बड़ी प्रतिष्ठा हो गई, बहुत लोग मेरे पास आने लगे, मैं उनको प्रवचन सुनाने लगा। उसके बाद मैंने तुम्हें भी प्रेरणा की, तुम ही भजन लग, कई दिन तो तू अनागानी थी राजा था ना जी, तो अनागानी करी, फिर बाद में अपने पुत्रों को राज देकर तो भजन में लग गया जी। तो लगने पर मेरा तो शेर शांत हो गया और मेरी प्रतिष्ठा थी उस पद पर तू बैठ गया जी। अब मान आदर सत्कार तेरा तू प्रसन्न होने लगा, तेरा मान आदर होने लग गया, तू नीचे के लोगों में गया जी, ऊपर के लोगों में गया जी मैंने तुझे साधु बनाया, तेरे मेरे पर कर्जा हो गया। सुन लिया, अच्छा, साधु बनाना, हाँ, ये तेरा उद्धार करने की जिम्मेदारी मेरे पर आ गई। अच्छा, नहीं तो मैं आता नहीं, हाँ, मैं तेरे लिए आया हूँ। अच्छा, हाँ, तो मेरा कहना माने तो अपना उद्धार कर ले। ठीक है। हनुमान दास जी मकान बनाता था चूरू में, शेर जी कई बार उसका मकान देखने जाते थे, जी हो जाती तो श्यामदास जी जरान जी
सब होता। हाँ उनके बोलते शेर जी इतनी देर लगा, इतने लोग बैठे हैं, मीटिंग हो रही है, शेर जी क्या बोले सुनो, हनुमान की कृपा से आपको सत्संग मिल रहा है। अच्छा आप हनुमान को क्या समझते हैं? हनुमान जी बड़ी शौकीनी करते थे, इतर फूले लगाना, बढ़िया कपड़ा पहनना, पहले राजा थे, आदत थी ऐसी, इसलिए करते थे। शेर जी कहते थे हनुमान तो मुझे मूर्ख समझता था जी, तो मैं उसको मूर्ख समझता था। अच्छा ये श्रृंगार करता है, हनुमान जी समझते कैसा जद्दा है, आज दिवाली के दिन भी श्रृंगार नहीं करता, न तेल लगाता, न फूले लगाता, न इतर लगाता, न बढ़िया कपड़ा पहनता, दिवाली के दिन मूर्ख है, ये फोन बोलता हनुमान बस जी को उनका जी। पीछे बातें हुई तो उसको चेत हुआ जी, शेर जी कहा तू भजन में लग जा, फिर उनको भजन में लगाया जी। हनुमान दास जी खुद कहते थे हम लोग प्राय साथ साथ में रहते थे जी, जब भी मुझे भगवान की विस्मृति होती शेर जी चट चट चेताते थे, अरे तू क्या करता है, राम राम रख, भगवान का नाम ले जी। अपने मित्र को चेत कराते थे, ऐसे मेरे को चेत करते 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 मेरी भी भजन में रुचि हो गई। माँ कहती थी आओ छोरे भुजी मिलो, ये बात बड़ी बुरी लगती, भजन में बाधा पड़ती है, इसे हनुमान जी ने कहा जद्दा चलो अपने साधु बन जाए तो माँ बुलाने वाली रहेगी नहीं। जद्दा ने कहा ठीक है। इसके बाद शेर जी बोले देख हनुमान मेरे द्वारा बहुत काम होने वाला है, और मैं साधु बन जाऊंगा तो दो कपड़े रखूंगा, ये सब रखूंगा नहीं, असली साधु बनूंगा तो काम नहीं होगा, तुमने कह दिया साधु हो जा तो मैंने स्वीकार कर लिया, अब तो तू कहेगा तो मैं साधु नहीं होऊंगा, नहीं तो मैं तो साधु होऊंगा। अच्छा सत्य बोलने भी की प्रतिष्ठा थी उनकी, एक भाई कह दिया तो बन गए। अब बात भाई अगली बार बात समय हो गया, बातें तो बहुत है बढ़िया बढ़िया जी बाबू जी। हाँ अगली बार सही रहा और भगवान की शक्ति रही तो सुनाएंगे आपको। जी बाबू जी, जी बाबू जी। श्री नारायण नारायण नारायण, आपको आनंद आया ना? खाली मेरी बात नहीं है, जो सुनते हैं सबको आनंद आता है। अरे मेरा मतलब आपसे सभी के है, आप जी हाँ। आप तो प्रतिनिधि हो। नारायण नारायण, अरे गीता जी भगवान ने अर्जुन को प्रतिनिधि बनाकर कही जी, अर्जुन को क्या गीता जी की जरूरत थी, भगवान आके उसको गीता जी क्या जरूरत थी जी, भगवान ने अर्जुन को मुंह में डाला, पिताजी दवाई खाए मारे लिए जी, बात आई है। प्रतिनिधि बनाया था मनुष्य जाति का जी, तो आप प्रतिनिधि हो, सत्संगी होंगे जी, आपको आनंद आता है, सबको आनंद आता है। आवाज जी, जी बाबू जी, गीता जी सबको, गीता जी भगवान ने सुनाई, आज कितना लोगों को लाभ हुआ जी, हुआ। भगवान जानते थे कल जुग में लोग जंगल में नहीं जा सकेंगे जी, घर में रहेंगे, रहते हुए बहुत प्राप्ति हो सकती है, रोटी बनाते हुए बहुत प्राप्ति कर सकती है जी, घर में लोग व्यापार करते बहुत प्राप्ति कर सकते हैं जी, गीता जी सिखाती है जी बाबू जी। सकर्मणा तव प्रत्यय सिद्धि विन्दति मानव जी बाबू जी, अपने कर्म के द्वारा आप हम भगवान की पूजा कर सकते, ऐसी युक्ति भगवान ने गीता जी बताई है जी बाबू जी। अरे जानने मात्र से बहुत प्राप्ति जी बाबू जी, गीता जी इतनी बात बताइए जानने मात्र से बहुत प्राप्ति जी बाबू जी। मैं आपको गीता जी खोलूं तो पता चले क्या गीता जी है जी बाबू जी, जानने मात्र से बहुत प्राप्ति। अच्छा जानने मात्र से बहुत प्राप्ति जी, गीता जी बताती है जी बाबू जी।
हमारे कल चुके जीवों के लिए दी भाई। हाँ जी बाबू जी, नारायण नारायण। सब किसी ने हाथ खड़ा किया है तो हाँ पूछो, कोई एक दो आदमी कुछ पूछना चाहे सत्संग की भाई। बोलो क्या बोलो बोलो। हाँ बोलिए दिनेश कुमार जी। हाँ राम राम बाबू जी, राम राम। ये एक जिज्ञासा थी बाबू जी की, हनुमान जी का जो नाम आप बता रहे थे सेठ जी बाबू जी के साथ में, तो ये भाई जी थे या कोई और थे? ये दूसरे थे, मित्र थे। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले एक राजा थे। अच्छा अच्छा बाबू जी, अच्छा बाबू जी थे जी। बाबू जी जी बाबू जी, सेठ जी ने निजी में तो बताया था, तो सेठ जी राजा बनते थे उसके, वो राजा थे, तो सेठ जी साधु बन गए, उसको भी साधु बनाने के, वो भी साधु बन गया, वो तो भोग भोगता रहा, लेकिन नीचे योनियों में गया और सेठ जी ऊपर के लोगों में गए, ये बात। दूसरे बाबू जी ये कह रहे थे कि आपकी वाणी, अभी मैं काशी से बोल रहा हूँ, आपकी वाणी कहाँ कहाँ जा रही है इसका पता आपको नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम लोगों का बहुत कल्याण हो रहा है, वो चीज जो देखे नहीं थे जो सुने नहीं थे वो सब कुछ दर्शन हो रहा है बाबू जी, इसलिए जो भी मौका मिले तो आप जरूर दर्शन दिया कीजिए। भगवान की कृपा है हमारे, तो आपकी बात नहीं है, ये भगवान आपको हमको देना चाहते हैं, शेर जी आपको देना चाहते हैं, आपके हमारी बात नहीं है, ये भगवान की इच्छा से हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी जी बाबू जी, न तो हमारे मन में आती न तो इनके मन में आती, मदन जी पुगलिया के ये को भगवान प्रेरणा करके आपको हमको बढ़ा रहे हैं निमित्त जी बाबू जी। हाँ ये आपके हमारे मन की बात नहीं है, हमने तो बीच में काल कर दी थी, अब फिर चालू हो गया तो भगवान की कोई इच्छा है। देखो शेर जी ने मेरे से पूछा कि अब गीता के बेटी में हो गया, मैंने नहीं शेर जी थोड़ा होना चाहिए, सिस्टर जी का गांठ है समझे ना, मान आगे पेपर वाले का। शेर जी पूछा मेरे से अब गीता के बेटी में हो गया। अच्छा में चलती है। अच्छा इसी लेख में आएगा, आपको सुनाऊंगा, एक दादाजी मुंडिया थे ना नप्पा सर के, गीता कमेटी में गए तो रोमांच हो गया, अशुभात होने लग गया, और मुझे गीता को मिटवाने का मौका मिल गया। अच्छा ये शेर जी स्वामी जी बनाई हुई थी। अच्छा हर एक आदमी धोई जा सकता था उसमें जी बाबू जी। तो वो शेर जी में से पूछा पापड़े में, अब तुम गीता कमेटी में हो गया, मेरा शेर जी नहीं, अब तुमको होना चाहिए। अच्छा तो मैं हो गया। अच्छा शेर जी ने मुझसे पूछा, मैं बोला शेर जी कैसे हूँ, नारायण जी साहब के मैनेजर थे, उनसे मिल लेना, उनसे मिला मुझे हो गया मैं। अच्छा तो शेर जी कृपा है, ये कृपा है, हाँ मेरे हाथ की बात नहीं है जी बाबू जी। तो शेर जी चाहते हैं आप हम लोगों का लाभ देना जी, मेरी बातें लोगों तक तो पहुंचे जी, स्वामी जी शेर जी महाराज चाह रहे हैं जब ही हो रहा है जी बाबू जी, ताकत है क्या हो जाए कुछ भी नहीं नहीं है जी। सेठ जी के गजल गीता के बारे में थोड़ा हमें बताइए, रात को सोते हुए करने से क्या लाभ होता है, क्या प्रश्न? गजल गीता के बारे में। गजल गीता 800 का अनुवाद है बाल्मीकि अध्याय का, एवं सतत युक्ता ये यहाँ से ले करके मैं ये मना दसला मई बुद्धि निवेशया, ये शेर जी ने गजल गीता बनाई थी, ये बारहवें अध्याय के 8 श्लोक एक से लगा के 8 तक उनका अनुवाद है, शेर जी गजल गीता बनाई थी, रात को ये यदि आप पढ़ के सोओगे तो आपको भगवान की स्मृति हो सकती है, संसार के स्वप्न नहीं आए, इसलिए बनाई थी। अब समझ गए? हाँ बाबू जी समझ गए ना जी बाबू जी, ये शेर जी बनाई हुई गजल गीता। हाँ शेर जी बनाई हुई है, रोज बहन जी समझ गई होंगे, 800 का अनुवाद है ये जी बाबू जी, 8 नंबर तक मैं ये बोला, एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम परिपास पे यहाँ से लगा करके मैं ये मना दसवा मई बुद्धि निवेश है, आइए आइए यहाँ तक का अनुवाद है ये ठीक है। हाँ एक भाई जी और है, पूछिए भाई जी आप क्या पूछना चाहते हैं। हाँ बोलो। हाँ पूछिए
सचमन उनमें सेठ का हाँ है तो मान। अरे भाई जी किसी को कुछ पूछना हो तो हमारा टेलीफोन नंबर दे दो, 12 से 4:30 बजे तक कुछ पूछ लिया करो। ठीक है बाबू जी। हाँ समझे, अब आपको देरी हो रही, मुझे तो और नहीं, मैं तो बैक बैक बैठा हूँ, आपको बता रहा हूँ। तो हमारे को तो देख देख के अच्छा लग रहा है आपको। अब बोलो बोलो पूछो, क्या पूछो बोलो। नहीं अब वो भाई जी चले गए जिनको पूछना था। नारायण नारायण। सभी जो हमारे सत्संगी भाई बहन सुन रहे हैं सारी बातें, ऐसा मौका बहुत दुर्लभ है, जैसा उन्होंने बताया ऐसे बाबू जी के मुख से सारी बातें सुननी। सारी बातें प्राय प्राय अपने को सुननी हुई है, पता भी है, लेकिन उसके बाद भी बाबू जी के मुख से सुनते हैं तो एक बहुत ही सजीव सी लगती है। तो सबसे प्रार्थना है कि खूब ज्यादा से ज्यादा इस शुक्रवार की सत्संग